कोरोना के पस्त करबाक लेल जारी लॉकडाउनक बीच बिहार में एकटा नव मुसीबत दस्तक दऽ देने अछि। वा ई कही जे बिहारक लोक पर अब संक्रमण के डबल अटैक शुरू भऽ गेल अछि। नमस्कार, अपने लोकनि देख रहल छी समदिया.com, हम छी अक्षय। जतय एक दिस बिहार सहित सगर दुनिया कोरोना से जंग लड़ रहा अछि, तो ओतहि दोसर दिस मिथिला प्रक्षेत्रक मुजफ्फरपुर जिला में एकटा नैनाक मौत सँ चमकी बुखार सेहो अपन दस्तक दऽ देने अछि, जे क्षेत्रक लेल चिंताक विषय अछि तऽ सरकारक लेल चुनौती। देखल जाउ ई रिपोर्ट। जनतब कराबी जे मुजफ्फरपुर स्थित SKMCH के PICU वार्ड संख्या 2 में भर्ती सकरा प्रखंडक बाजी बुजुर्ग निवासी मुन्ना रामक पुत्र आदित्य कुमार रवि दिन सांझ में चमकी बुखार से दम तोड़ देलक। 3 वर्षक आदित्य के स्थिति गंभीर भेला पर शुक्र दिन रात में वेंटिलेटर पर राखल गेल छलैक और रवि दिन सांझ में लगभग 5 बजे ओ दम तोड़ देलक। अहि मौतक पुष्टि SKMCH के अधीक्षक SK सही केलनि अछि। कल इस अस्पताल में भर्ती हुई थी, कल ही से वो वेंटिलेटर पर थी और आज शाम में करीब 4 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। यह दुखद है हम लोगों के लिए, हम लोगों ने अथक प्रयास किया लेकिन बचा नहीं सके बच्चे को। ओतहि दोसर मरीज पूर्वी चंपारण जिलाक चिरैया निवासी रूपन सहनिक पुत्री सपना कुमारी के स्थिति में सुधार होबाक सूचना भेटल अछि। जनतब कराबी जे पछिला वर्ष यह चमकी बुखारक कारणे मुजफ्फरपुर के 140 सहित पूरा बिहार में 200 से बेसी बच्चाक मौत भेल छल। बिहार में चमकी बुखारक प्रकोप दोबारा शुरू भेला पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिंता जतौलनि अछि। ओ स्वास्थ्य महकमा के आवश्यक सब तैयारी पूर्ण करबाक आदेश जारी कयलनि अछि। एखन के लेल बस एतबहि, फेर नव अपडेटक संग अपन लोकनि के बीच उपस्थित होयब। देखैत रहू समदिया.com।